नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिष्ठानम क्लासेस में। और देखिए, राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा और पेट की प्रारंभिक परीक्षा साथ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आयोजित होने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं को हम लोग ध्यान में रखते हुए ये सीरीज लगातार आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को देख रहे हैं, जिसका हमने पार्ट वन और पार्ट टू देख लिया है। और आज तीसरे भाग में हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित होने वाली जारी की गई योजनाओं पर बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज की पहली योजना क्या है। आज की हमारी पहली योजना है गोवंश आश्रय स्थल योजना। यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि गोवंश आश्रय स्थल योजना को जनवरी 2019 में प्रारंभ किया गया। आपसे मैं अपेक्षा रखूंगा कि आप कम से कम ये याद करें, ये जो वर्ष है ना, इसको ध्यान देंगे। आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा कि गोवंश आश्रय स्थल योजना को कब प्रारंभ किया गया, तो आंसर है 2019 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, ऐसे दिमाग में रखिएगा, गोवंश वंश 19, ऐसे वंश और 19, इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो ये गोवंश आश्रय स्थल योजना के बारे में रही बात। आगे बढ़ते हैं, अगली योजना के बारे में देखते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये महत्वपूर्ण योजना है, इस पे ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में बात करते हैं, तो इसे 1 अप्रैल 2019 से प्रारंभ किया गया। तो याद रखेंगे आप, 2019 से इसको प्रारंभ किया गया। ये महत्वपूर्ण योजना है, आपके पेपर में पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। ये 5 अक्टूबर 2019 से लागू हुई। अच्छा, ये देखिए, यहां तक एक स्टेटमेंट खत्म है। पात्र बालिकाओं को 6 श्रेणियों में 15,000 रुपए की सहायता राशि को प्रदान करने का लक्ष्य यहां पर रखा गया। आपको यहां पर यह याद रखना है कि कन्या सुमंगला योजना वर्ष 2019 से प्रारंभ हुई। ठीक है, तो कन्या सुमंगला योजना बालिकाओं के विकास हेतु कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ किया गया वर्ष 2019 में, जिसमें संपूर्ण राशि जो निर्धारित की गई वो 15,000 रुपए की राशि बालिकाओं को प्रदान करने का लक्ष्य विभिन्न 6 श्रेणियों में निर्धारित किया गया। उतना डिटेल में आपको नहीं जानना है, बस दो फैक्ट यहां से आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली योजना के बारे में। बाबा साहब अंबेडकर विशेष रोजगार योजना। अब देखिए, इसको वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया। पहली बात तो ये, महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा साहब अंबेडकर विशेष रोजगार योजना जो है, ये सभी जाति धर्म के लोगों के लिए चलाई गई योजना है। ये विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें केवल एससी या एसटी कैटेगरी के लिए कभी मत सोचिएगा। ये सभी लोगों के लिए, ये रोजगार को प्रदान करने के लिए जो योजना शुरू की गई वो है बाबा साहब अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना। इसलिए इस चीज बता रहा हूं कि मान लीजिए कि स्टेटमेंट पे आ गया कि अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं उनके विकास के लिए योजना प्रारंभ किया गया, तो ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि नवंबर 2019 में इसको प्रारंभ किया गया और ग्रामीण उद्यमिता के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए 1.5 से 2 लाख तक का लोन प्रदान करने की बात इसमें रखी गई है। ठीक है, ये है बाबा साहब अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना। देखते हैं अगली योजना के बारे में, मिशन शक्ति योजना। बहुत महत्वपूर्ण योजना है, ये अति महत्वपूर्ण योजना है, वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। मिशन शक्ति योजना को वर्ष 2020 में प्रारंभ किया गया था। कहां से? बलरामपुर जिले से प्रारंभ किया गया था। दोनों चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कब प्रारंभ किया गया और ये कहां से प्रारंभ किया गया, दोनों चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। बालिकाओं, महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मिशन शक्ति योजना को प्रारंभ किया गया 2020 में। अभी देखिए, करंट की न्यूज है कि मिशन शक्ति के फेज 3 का अभी हाल ही में योगी जी ने उसको शुरू किया है, मिशन शक्ति योजना को। ठीक है, फिलहाल आप ये याद रखें यहां से कि वर्ष 2020 में बलरामपुर जिले से मिशन शक्ति योजना को प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली योजना को देखते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। इसमें इस योजना को सबसे पहले देखेंगे, वर्ष 2020 से इसे प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत रोजगार परक एक ट्रेनिंग दी जाती है, जो 3 माह की ट्रेनिंग होती है, और प्रति माह सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2,500 रुपए की राशि प्रति माह प्रदान की जाती है, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो ये रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है इसमें, और उसके बाद एक स्किल जब
लोगों में डेवलप हो जाती है तो उसका फायदा उनको मिलता है कि वो रोजगार की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, एक अगली योजना को देख लेते हैं, नवीन रोजगार छतरी योजना, इसके बारे में बात करते हैं। याद रखें कि ये जो योजना है, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये योजना केवल SC कैटेगरी के लोगों के लिए है, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके लिए सर्वांगीण विकास है, तो ये योजना प्रारंभ की गई। और कब प्रारंभ की गई भाई? 18 जुलाई 2020 को। ठीक है, कोई अन्य योजना नहीं। ठीक है, तो आज उत्तर प्रदेश की योजनाओं के क्रम में हमने इन योजनाओं को देखा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।